एक बार फिर भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके बाद अब लोगों में चिंता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो वहां पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि किसी भी मरीज को किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हमने देखा कि पिछली दो लहरों के दौरान किस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से काम किया गया और लोगों को मदद पहुंचाई गई। हमारे साथ इस समय प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, शशि मैम। सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, अभी जो केसेस आ रहे हैं, क्या ये कोविड केसेस हैं या इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं, क्योंकि लोग इस पे भी अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हैं। अपर रेस्पिरेटरी कटार, बहुत सारे खांसी, जुकाम, गला खराब और वायरल निमोनिया के केसेस तो हैं। वायरल निमोनिया के केसेस ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, हमारी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन उसकी चपेट में आई थी, बच्चे छोटे, और एक 54 बेडेड हमने एडिशनल वार्ड ICU करके क्रिएट किया था, तो इस दौरान वो काफ़ी टाइम पे बना हुआ था तो काम आया। उसमें आप जैसे कह रही हैं कि इस पहले तो एक एडीनो वायरस वायरल निमोनिया के केसेस थे, जैसे कुछ भारत के कुछ हिस्सों में डेथ्स भी रिपोर्ट हुई, उसे हमारे यहाँ भी बच्चे काफ़ी बीमार हुए। साथ साथ में इन्फ्लुएंजा के कुछ केसेस थे, और अभी एक रिसर्च हुई है ये कोविड। बहुत देर पहले एक प्रिडिक्शन थी कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, छोटे बच्चे कभी भी कोविड की चपेट में नहीं आए थे और वैक्सीन कवरेज में भी उस एज ग्रुप को नहीं लिया गया था फॉर साइंटिफिक रीजंस। और प्रडिक्शन थी कि कभी वेव जो आएगी रिसर्जेंस एक पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को, तो कुछ ऐसे ही क्लिनिकल और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं जिसमें हमारे पास एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा MCH में एक 80 बेड्स जो हैं वो कोविड डेडिकेटेड हैं। इक्का दुक्का जो कोविड के केसेस पॉजिटिव आते हैं, जिनमें कई बार सर्जरीज की ज़रूरत है, या कोई प्रेग्नेंट वूमेन एक पॉजिटिव आ गई रूटीन टेस्ट में और उसको भी वहाँ आइसोलेट किया, 11 बच्चे एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दाखिल थे, 3 उनको असिस्टेड वेंटिलेशन देनी पड़ रही थी, तो ये रिसर्जेंस तो हुआ है और पीडियाट्रिक ट्रेंड है। तैयारियां हमारी पूरी हैं, कॉन्टीन्यूटी ही है, जैसे तैयारियों में हम मान के चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन पाइपलाइन है, अभी हमारे सारे बेड्स, जैसे मैं बता रही थी MCH हॉस्पिटल में जो 200 बेडेड है तो 80 डेडिकेटेड बेड्स कोविड के लिए हैं। शुरुआत में सारे हॉस्पिटल्स में कुछ कुछ बेड्स थे, तो बाकी रूटीन सर्विसेज भी वेव्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी। अभी ये है कि कोविड तो केयर चलती है, साथ साथ में नॉन कोविड रूटीन नहीं चल रहा, बहुत बढ़ावा हो रहा है। कुछ प्रोसीजर्स जो नहीं भी होते थे तो मेडिकल कॉलेज या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो कमियां थी उनमें कोई रुकावट या रुकावट बिल्कुल नहीं आ रही, बढ़ावा हो रहा। मैम, मॉक ड्रिल्स की अगर बात करें तो केंद्र की सरकार ने भी शायद ये कहा है कि सभी UTs को स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कर लेना चाहिए, उसके लिए डेट्स भी दी गई हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, स्पेशली जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, मॉक ड्रिल्स को लेकर तैयारियाँ पूरी हैं, मॉक ड्रिल्स होने वाली हैं? मॉक ड्रिल तो जैसे ऑफिशियल गवर्नमेंट के निर्देश हैं उस दिन तो होगी ही, अपनी तैयारी इंटरनली गियर अप करना सारे सिस्टम को, वेंटिलेटर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, सारी मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सारी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन वो सारी, और ह्यूमन मैन पावर सारा, एक्सपर्ट सारे, वो हमारा अंदर से कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। एक और सवाल है कि ये टाइम है स्कूल्स ओपनिंग का, एक बार फिर से एग्जाम्स के बाद स्कूल ओपन हो रहे हैं, जैसे कोविड केसेस की अगर बात करें बच्चों में सर्च देखने को मिल रहा है, तो क्या उसके लिए जरूरत है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो सारे मेजर्स ले जो कोविड के दौरान जरूरत है? सारे बच्चों को तो अभी ऐसे कोई एडवाइजरी नहीं आई है, लेकिन जो बच्चा खांसी, जुकाम, कोविड हो, इन्फ्लुएंजा हो, रूटीन कोल्ड वायरस हो कोई, या फिर एडीनो हो, बहुत सारे कॉमन कफ एंड कोल्ड कॉजिंग वायरसेस होते हैं, जिसको भी ऐसे लक्षण हो वो बच्चा घर में रहना चाहिए और बाकियों को इन्फेक्ट नहीं करना चाहिए। उसमें जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बार बार सीखा और सिखाया, एक्वायर किया अपने व्यवहार में, वो एक्वायर करने की ज़रूरत है। घर में भी कोई अगर इन्फेक्ट हो जाता है या जिसको खांसी, जुकाम, बुखार है, बाकी लोगों से आइसोलेट कर ले अपने आप को, ट्रांसमिशन चेन रोके और मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजेशन करे, 2 गज की दूरी बनाए रखे, बाकी तक मत फैलाए,
बीमारी को, ये सबका अपना दायित्व है। जम्मू वासियों को क्या मैसेज रहेगा आपका आखिर में, क्योंकि वो लगातार जो है जिस तरीके से हम केसेस की बात कर रहे हैं, कल हमने देखा कि डायरेक्टर हेल्थ जो कश्मीर है उनकी तरफ से कई एडवाइजरी निकाली गई, तो आपका जम्मू वासियों को क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से खुद को प्रिपेयर रखें अगर कोविड की लहर जो है दस्तक देती है? पहली बात है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, और ये वेव्स जो है इन्फ्लुएंजा मान के चलिए, बीच में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, अभी हम तो अपनी ओल्ड जो पॉपुलेशन है सारी 60+, सबको रिकमेंड करते हैं कि वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एनुअल ले लिया करें। तो सब की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि हमें देखा ये वायरसेस तो आते रहेंगे, म्यूटेशन प्रोन होते हैं, वेव्स आती रहेंगी, या दूसरा सीजनल वायरस भी आएगा। इन्फेक्शन कंटेनमेंट फैलने नहीं देने के जो तरीके हैं वो हम सब सीख भी चुके हैं, और हर एक का दायित्व है कि कोई इन्फेक्शन आता है तो आगे ट्रांसमिट गैदरिंग्स में ना जाए, ओवर क्राउडेड एरिया में ना जाए, अपने आप को आइसोलेट कर ले, ट्रांसमिशन चेन रोके, ताकि वो वायरस का इन्फेक्शन जिधर हुआ था वहीं खत्म। जी थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से मैम ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा है कि हमें जरूरत है कि एक बार फिर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर अपनाएं, अगर हम नहीं अपनाते हैं तो शायद ये छोटी सी गलती होगी और हमारा अगर ये जो भी वायरल है इन्फ्लुएंजा है या कोविड है वो दूसरों तक भी फैलेगा, और शायद इसी तरीके से एक और चेन जो है वो तैयार हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है थोड़े से सतर्क हो जाएंगे, थोड़े से सावधान हो जाएंगे और इस कोविड की तीसरी लहर को आने से रोक पाएंगे। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहेंगे आप न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।